काशीराज कन्या अंबा बदले की खोज में चली गई और वो बदला अवश्य लेगी, परंतु कब और कहां ये अभी केवल मैं जानता हूं। और जब ये महान मानव कथा वहां पहुंचेगी तो मैं उस बदले की कहानी सुना भी दूंगा, परंतु अभी तो हस्तिनापुर चैन की बंसी बजा रहा है। महाराजा विचित्र वीर अंबालिका और अंबिका के साथ धूमधाम से विवाह कर चुके हैं और अब चूंकि राज की देखभाल के लिए भीष्म जैसा विद्वान और सूरमा मौजूद था, इसलिए विचित्र वीर का सारा समय अपनी दोनों रानियों के साथ बीतने लगा। नाथ, क्या हुआ? नाथ, क्या हुआ? क्या हुआ नाथ? गंगा जल पिला दीजिए महाराज को। चंद्र वंश के चंद्र का असमय यह अवसान, सिंहासन सुना
हुआ राजभवन सुनसान। माते अपने आप को संभालिए। माते प्रयत्न तो बहुत कर रही हूं पुत्र, परंतु आज सत्यवती अपने जीवन के कठोर सत्य के सामने अकेली और विवश खड़ी है। सत्य कभी विवश नहीं करता माते। करता है पुत्र, बहुत विवश करता है। तुम उच्च आकांक्षी नहीं हो ना, इसलिए मेरी विवशता को नहीं देख सकते। मैंने चाहा था मेरे पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, लेकिन मैंने तुम्हारे स्थान से तुम्हें हटा दिया। परिणाम हस्तिनापुर का राज सिंहासन आज मेरी ओर देख रहा है और कह रहा है, सत्यवती मुझे मेरा राजा दो। मैं उस राज सिंहासन को राजा कहां से दूं? ना चित्रंगत है, ना विचित्र वीर्य, और ना ही उनकी कोई संतान। मैं सत्यवती अपने सामने झूठी पड़ गई ना। घटनाओं और दुर्घटनाओं के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होती माते। यदि आप वो नबी भी चाहती जो आपने चाहा, तब भी यही होता। काल ने कोई और रास्ता निकाल लिया होता। मनुष्य भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानता माते, इसीलिए वो कभी सुखों के आगे विवश हो जाता है तो कभी दुखों के आगे। परंतु मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन से क्या कहूं? हस्तिनापुर के राज सिंहासन से कहिए कि वो अपने प्रश्न लेकर समय के पास जाए, क्योंकि तमाम प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास है। परंतु तुम भी तो कुरुवंश और कुरु सिंहासन की सेवा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हो पुत्र। अवश्य माते। तो फिर अपने वचन का पालन करो पुत्र। क्या कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाला है माते? हाँ, सत्य तो ये है भीष्म कि शत्रु आक्रमण कर चुका है। वो कौन है माते? तुम्हारी प्रतिज्ञा। माते तुमने कुरुवंश की सेवा और सुरक्षा का वचन दिया था ना स्वर्गीय पिता महाराज को, तो उस वचन के पालन के लिए कुरुवंश की आवश्यकता होगी। कुरुवंश ही ना होगा तो सेवा किसकी करोगे, रक्षा किसकी करोगे? चित्रंगत और विचित्र वीर्य के निधन के बाद कुरुओं के वंश का रास्ता ही बंद हो गया है, और अब यह रास्ता केवल तुम ही खोल सकते हो। एक ओर तुम्हारी प्रतिज्ञा है, दूसरी ओर तुम्हारा वचन। निश्चय तुम्हें करना है। मैं समझा नहीं माते। परंपरानुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ, और तुम्हारी मां होने के नाते अब यह मेरा आदेश भी है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते मैं विवश हूं। माता यह संभव नहीं भीष्म करे व्रत त्याग, चाहे शीतल सूर्य हो बल से शशि से आग। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करे स्वागत महा